Assalamu alaikum, Fahad here. Welcome back to the channel FitLeg, where fitness meets intellect. आज हम बात करने वाले हैं AI के बारे में. Artificial intelligence किस तरह नौकरियां खा रही है और किस तरह fitness coaching भी खा रही है, fitness coaches की नौकरियां खा रही है. लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, गर्मी बहुत है, एक अच्छा सा ड्रिंक बना लेते हैं. हाँ तो भाई, पांच ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिटनेस को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती. उन पांच चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़िटनेस हमेशा ह्यूमन होती है, इंसानी होती है. आपको हमेशा मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल स्टेट देख के ट्रेन करना होता है. बहुत सारे फिटनेस कोचेज इस बात से रिलेट करेंगे कि बहुत दफ़ा उनको क्लाइंट से नॉन फिटनेस बातें करनी पड़ती हैं, उनको कंधा देना पड़ता है रोने के लिए ताकि वो उनको फ़िटनेस के ट्रैक पर ला सकें. वैसे भी दर्जी हो या नाई हो, हमेशा पर्सनल होना चाहिए आपका. इसी तरह फिटनेस कोच भी पर्सनल होना चाहिए. तो ह्यूमन इमोशंस वो चीज़ है जो कि AI के पास कभी नहीं आ सकती. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ह्यूमन इमोशंस से. दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन. हम सबको फिटनेस के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, चाहे किसी और एरिया में चाहिए हो या ना चाहिए हो. तो मोटिवेशन के लिए AI सिर्फ ये कर सकता है कि आपको लाखों करोड़ों मोटिवेशनल कोर्स में से कोई पांच छह मोटिवेशनल कोर्स आपके मुंह पे मार देगा. आप मूड में नहीं है मोटिवेशनल बातें सुनने के, आप मूड में नहीं है पॉजिटिव बातें सुनने के, क्योंकि हमें तो वैसी नफरत होती है ना जब हम किसी ऐसे मेंटल स्टेट में हो जो नेगेटिव चल रहा हो और कोई आके हमें अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू करते, हमें नफरत हो जाती है उस आदमी से. यार हम कहते हैं टॉक्सिकली पॉजिटिव आदमी, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक AI की, एक मशीन को या रोबोट को, क्या आपको मोटिवेट करेगा. मोटिवेशनल बातें करना या मोटिवेशन की बातें करना और एक बंदे का इमोशनल स्टेट देखते हुए बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पहला काम AI आराम से कर सकता है, लेकिन दूसरा काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भाप ही नहीं सकता कि आज आपका वर्कआउट करने की मोटिवेशन नहीं है, मूड नहीं है. तो आपका मूड किस तरह बनाना है, आपको मोटिवेट किस तरह करना है, किस तरह की बातें आपसे करनी है. आज आप घर से लड़के आए हैं, आपसे फैमिली प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करनी है, आपसे वर्क लाइफ की डिस्कशन करनी है. नो AI टूल कैन नो दैट, ओनली अ ह्यूमन कोच कैन नो दैट. तीसरा पॉइंट, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन. मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है. जब एक बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे बंदे से नहीं मिलता, रेटिना दूसरे बंदे से नहीं मिलता, स्टोरी दूसरे बंदे से नहीं मिलती, मोटिवेशंस दूसरे बंदे से नहीं मिलती, तो AI कैसे आपके प्लान्स पर्सनलाइज कर सकता है, कैसे कस्टमाइज़ कर सकता है. देखें, याद रखें, ये गूगल के दौर में भी पॉसिबल था, यूट्यूब गूगल सब के दौर में पॉसिबल था कि आपको फ्री में आपके पूरे पूरे कस्टमाइज प्लान्स मिल जाएँ, पर्सनलाइज प्लान्स मिल जाएँ. लेकिन वो इस हद तक कस्टमाइज पर्सनलाइज होते हैं कि वो बेसिकली कलेक्टिवली होते हैं. अब AI ने सिर्फ एक काम ये किया है कि जितनी मेहनत आपको लगती थी YouTube से सर्च करने में, Google से सर्च करने में, AI ने आपको एज अ पर्सनल असिस्टेंट उसमें और फैसिलिटेट कर दिया है. जहां आपको 10 मिनट लगते थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वहां आपको आधा मिनट भी नहीं लगता. तो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाती है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज करनी किसने, न्यूट्रिशन करना किसने है, अपने मेंटल स्टेट का ख्याल रखना किसने है, किसी भी AI रोबोट ने नहीं रखना, किसी भी मशीन ने नहीं रखना, आप ही ने रखना है. और चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट यह है कि आपको रियल टाइम फीडबैक चाहिए होता है. आपको फीडबैक महीनों बाद या घिसा पिटा फीडबैक नहीं चाहिए होता है. AI कभी भी आपको ये नहीं बता सकता, कभी भी ये भांप नहीं सकता, कभी भी ये रिकग्नाइज़ नहीं कर सकता कि आपका मेंटल स्टेट आज क्या है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंटेंसिटी का लेवल वो नहीं है, और आप जो पहले 10 रेपिटेशन कर रहे थे अब उस वेट से आपसे 8 या 6 रेपिटेशन नहीं हो रहा है, तो आपकी ट्रेनिंग को किस तरह कस्टमाइज़ करना है, किस तरह चेंज करना है, ये सारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो आप AI पे नहीं डिपेंड कर सकते रियल टाइम फीडबैक के लिए. पांचवा और लास्ट पॉइंट ये है, इसके बाद और सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट जो लास्ट कहला सकता है वो ये है कि वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स बहुत सारे हैं. मतलब ट्रिलियंस ऑफ वर्कआउट्स आर अवेलेबल ऑलरेडी ऑनलाइन. तो AI अगेन एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपको वर्कआउट्स ला के दे देगा, आपके लिए बहुत सारी वेरिएशंस कर देगा, परम्यूटेशंस कर देगा. एट द एंड ऑफ द डे करना किसको है, वो वैरायटी पता किसको होनी चाहिए कि मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, AI आपको दे देगा. लेकिन AI आपके मेंटल स्टेट के हवाले से, इमोशनल स्टेट के हवाले से, फिजिकल स्टेट के हवाले से कभी नहीं पहचान पाएगा कि आपको कौन सा वर्कआउट, कौन सी वर्कआउट की वैरायटी सूट करेगी. तो ये कहना आसान है कि फ़िटनेस कोचेस की छुट्टियां हो जाएंगी, फलाना की छुट्टी हो जाएगी, ढिमकाना की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. हमेशा वो ह्यूमन फिटनेस कोच, वो ह्यूमन कोच जो इन टूल्स को अपने लिए फैसिलिटेशन के तौर पे तैयार यूज़ कर सकता है या इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, वो अपने क्लाइंट्स को बेसिकली 10x से 100x पे पहुंचाने के काबिल होगा. तो ये थे वो पांच पॉइंट्स जो कि प्रूव करते हैं कि कोई भी फिटनेस कोच या किसी भी किस्म का कोच
रिप्लेस नहीं हो सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी इमोशंस को, उसके मेंटल स्टेट को पूरी की पूरी तरह ना सीख जाए, जिसमें हो सकता है 10-15 साल लग जाएं, हो सकता है 100 साल लग जाएं। डिबेटेबल टॉपिक है, रहेगा हमेशा से, लेकिन एट द मोमेंट अगर आपको ये कहा जा रहा है कि एज अ फिटनेस कोच आपकी तो छुट्टी होने वाली है, हमें तो AI से अब वर्कआउट्स मिल सकते हैं, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि ये 10 साल पहले 15 साल पहले ही मुमकिन था, इंटरनेट 10-15 साल पहले आ चुका था, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल था, गूगल अवेलेबल था, लेकिन फिर भी आप वो नहीं कर सके जो कर सकते थे, तो AI भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। फहद रजा हियर, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। विल बी साइनिंग ऑफ नाउ। फहद रजा, खुदा हाफिज़।